दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने एयरटेल के सिम में हाई स्पीड इंटरनेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में दो सॉल्यूशन बताऊंगा, एक तो सॉफ्टवेयर का दोस्तों और एक हार्डवेयर का। तो इन दोनों ही जो आपकी एयरटेल की सिम है इन दोनों पर ही डिपेंड करती है। तो क्या क्या है इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या सेटिंग्स मिलती हैं हम वो बात करेंगे, जिससे हम अपने इंटरनेट की स्पीड को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसके लिए हमें जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मोबाइल की सेटिंग्स है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ऊपर कैलकुलेटर नेटवर्क मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, मोर के अंदर वो ऑप्शन हो सकता है, अदरवाइज आपके कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन वही होगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर नेटवर्क को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा सबसे पहले प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। तो गाइस यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका जो भी आपका मतलब आप 2G यूज़ कर रहे हैं, 3G यूज़ कर रहे हैं, 4G यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर 3G 2G यूज़ करेंगे तो स्पीड काफ़ी कम मिलेगी, अगर 4G यूज़ करेंगे तो काफ़ी हाई स्पीड आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान करना है। उसके बाद दोस्तों एक्सेस पॉइंट आता है। एक्सेस पॉइंट में आप किसी की भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने बना रखी है एयरटेल पर भी कि एक्सेस पॉइंट आप नेम कैसे बना सकते हैं अच्छे से। अच्छा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों ये हो गई हमारे सॉफ्टवेयर की दिक्कत। अब बात करते हैं हार्डवेयर में क्या दिक्कत होती है कि हमें स्पीड नहीं मिल पाती। दोस्तों हार्डवेयर का ये है कि आपका जो वायरिंग होती है अंदर की, जो सिम से कनेक्टेड रहती है, आपको सिम नेटवर्क प्रोवाइड करवाती हैं। दोस्तों ज़्यादातर ये एरिया की बात नहीं होती, आपके मोबाइल की भी बात होती है, वायर ख़राब हो जाती हैं, उस वजह से आपको प्रॉपरली नेटवर्क नहीं मिल पाते। और प्रॉपरली नेटवर्क नहीं मिल पाएंगे तो आपको प्रॉपरली स्पीड भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दोस्तों जब उसका वायर ही ख़राब होगा तो स्पीड कहाँ से मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने अपने ढक्कन को उतार के जब नेट चलाना है, क्या पता जब दोस्तों चल भी जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि वायरिंग होगी दोस्तों आपके ढक्कन पर ही होती है वायर, तो आपको ध्यान से देखना होगा कि कभी अपने आपके ढक्कन पर भी वायर होती है, तो उस वजह से भी आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों ये दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी दोनों कंडीशंस मैंने आपको जो बताई है वो सही है जिस तरीके से मैंने बताई है, तो आपका नेट 100% के 100% नॉर्मल चलेगा। तो गाइस ये था मेरा सुझाव, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।